गाइस और आज है 28 तारीख और आज है सातवां नवरात्र #day7 ऑफ नवरात्रि और मैंने दौड़ लिया है और फूल भी ले लिए हैं और बस अब घर को चलेंगे और पूजा की तैयारी करते हैं। बस आज का दिन में क्या क्या करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलो फिर पहले घर चलते हैं। हो गया है 7:34 और मैंने अपनी रसोई भी क्लीन कर ली है, आज मैंने पहले ही कर ली और अब मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊंगी। गीजर ऑन है, जब तक पानी गर्म हो जाए तब तक बैठते हैं और या उसके बाद फिर नीचे पूजा करने चलेंगे। हाय गाइस, तो आई एम ऑल रेडी फॉर पूजा। आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये फैब्रिक मिला था मुझे शादी पे, ये वो स्टिच करवाया है तो मैंने ये पहन लिया। इसका दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा तो मैं इसके साथ अपना यही वाला दुपट्टा कैरी कर लूँगी और बस चलो अब नीचे चलते हैं, पूजा वूजा की तैयारी करते हैं एंड यह #day7 ऑफ नवरात। तो गाइज यहाँ मैं भर रही हूँ अपनी गागर में पानी और ये मैंने चिमनी भी साफ़ कर दी है, जो तेल तेल हो जाता है ना वो मैं साफ़ कर रही हूँ। आज है मखाने पेठा 500 ग्राम आलमंड हमेशा की तरह और एक कप मिल्क, एक अपनी हाफ कप मिल्क और यह अब हम इसे इंजॉय करते हैं। टाइम हो रहा है 1:08, एक घंटा लगभग मैं सो गई थी, 11:40 पर सोई थी और 12:20 पर मैं उठी हूँ और बस अब जा रहे हैं थोड़ा मार्केट सामान लेने के लिए, जो करने आएंगी उनके लिए कुछ लेके आना है थोड़ा उनके लिए, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। बेबी आ रहा है, स्कूटी से जाएंगे, आओ तो मिलती हूँ मैं आपको मार्केट में। मिल रहे हैं जो कन्याओं को देखने वाले होते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या रेट है। देखो सब आ जाएगा। हाँ हम दूसरी शॉप्स में देखने नहीं जा रहे हैं, अभी हमने दो शॉप्स देखी थी पर रेट क्वालिटी के हिसाब से हमें ठीक नहीं लगे और साइज़ के अकॉर्डिंग भी, तो अब हम दूसरी शॉप में आए हैं, अब यहाँ देखते हैं। आ गए अब यहाँ देखेंगे और आपको दिखाएंगे जब खरीद लेंगे। शॉप पे कोई ओनर यहाँ पे नहीं है, शॉप ऐसी ही है तो हम आगे बढ़ गए हैं, अब दूसरी शॉप में देखेंगे हैं क्या रेट है। टिफिन भी हैं, शेक टिफिन भी हैं, इस तरीके से डिज़ाइन वाले भी हैं। ये 350 के ट्रल दूध का पैकेट ले लिया है, दूध का पैकेट भी और हमने डब्बे भी ले लिए हैं। अब हम घर की तरफ चलते हैं और या चलो घर। हाय गाइस, अब टाइम हो गया है 6:26, मैं सोकर के उठी थी आज 5:25 पे, आज लेट हो गई क्योंकि बहुत नींद आ रही थी और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन उठना तो था ही क्योंकि प्रसाद भी जल्दी बनाना था तो उठी मैं, फिर मैंने प्रसाद बनाया और अब हो रहा है 6:27, बात करते करते 6:27 हो गया और या मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, प्रसाद मैंने बना लिया है, प्रसाद कटोरी में रखते हैं और नीचे लेके चलते हैं। तो चलो गाइस, मैंने प्रसाद कटोरी में निकाल के रख लिया है, चलो अब नीचे चलते हैं। गाइस तो टाइम हो गया है 9:49 और हम जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स लेने जो कल प्रसाद में पड़ेंगे, तो चलो और गाय भी ढूंढेंगे, गाय माता को हमें केले खिलाने हैं तो पहले गाय माता ढूंढते हैं उसके बाद ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमने लिए हैं काजू किशमिश बादाम और साथ में नारियल, तो या कल के लिए #, कल की तैयारी। हाय गाइस, तो टाइम हो गया है 11:25, ड्राई फ्रूट्स लेके आने के बाद हम लोग गए थे वॉक पे और उसके बाद बस घर आए और बस थोड़ी देर रेस्ट किया और टाइम हो गया ऑफ। मैं भूल भी गई थी कि एंडिंग भी लेना बाकी है अभी व्लॉग में, तो बस एंडिंग लेने के लिए आई हूँ। तो या गाइस, जो भी आज दिन भर में किया आप लोगों के साथ शेयर किया, कल की तैयारियां की, हमने मार्केट गए थे बाहर टिफिन वगैरह लेके आने के लिए जो कन्याओं को देने हैं, उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए थे कल जो प्रसाद बनेगा उसमें डालने के लिए, और फल वगैरह लेके आए थे कल पूजा के लिए, या
आज यही सब किया और जो भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड मिलती हूँ मैं आपको कल एक नए व्लॉग के। कल है दुर्गाष्टमी और यहाँ पे दुर्गाष्टमी पूजी जाती है तो कल कन्या पूजन होगा, तो साफ सफाई से लेकर के कन्या पूजन तक कल पूरा व्लॉग आपको मैं दिखाऊंगी। तो या कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड या टेक केयर एंड बाय।